अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 25 के पार्ट 2 के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी के बारे में और रिव्यूज़ के बारे में। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर जो है, ये जो रिव्यूज़ हैं और जो क्वालिटी है, ये इसका कितना का अमल दखल है, ये कितनी ज़रूरी हैं ये चीज़ें, ये पैरामीटर्स। क्वालिटी क्वालिटी मीन्स कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट्स। द बेस्ट टेस्टर्स कैन ओनली कैच डिफेक्ट्स दैट आर कॉन्ट्रेरी टू द स्पेसिफिकेशन। टेस्टिंग डज नॉट मेक द सॉफ्टवेयर परफेक्ट। ये भी ज़रूरी नहीं है कि टेस्टिंग 100% आपके सॉफ्टवेयर को परफेक्ट बना देती है, बल्कि टेस्टर का मकसद जो होता है वो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपके एप्लीकेशन में से डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करना होता है। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव अ गुड रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, देन इट विल बी वेरी हार्ड टू डिलीवर सॉफ्टवेयर दैट फिल्स द यूजर्स नीड। अगर आपने पहले रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने का ही आपका प्रोसेस रॉन्ग था, तो फिर आप कभी भी अपनी एप्लीकेशन को जो है वो कम्प्लीटली यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पाते। बिकॉज द प्रोडक्ट टीम डज नॉट रियली नो वट दोज नीड्स आर। तो तब तक जब उन्हें समझ नहीं आएगी कि हमारे कस्टमर हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, तब तक जो है आप अपने कस्टमर को राइट प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाते। टेस्ट प्लान बनाने पड़ते हैं। टेस्ट प्लान का जिक्र हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप्स के अंदर भी किया था कि टेस्ट प्लान या टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं जिनको यूज करते हुए आप टेस्टिंग करते हो। द गोल ऑफ द टेस्ट प्लानिंग इज टू एस्टेब्लिश द लिस्ट ऑफ टास्क विच इफ परफॉर्म्ड विल आइडेंटिफाई ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट दैट हैव नॉट बीन मीट इन द सॉफ्टवेयर। द मेन वर्क प्रोडक्ट इन द टेस्ट प्लान क्या होता है? टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट द ओवरऑल अप्रोच टू द टेस्ट। इन मैनी वेज द टेस्ट प्लान सर्व्स एज अ समरी ऑफ द टेस्ट एक्टिविटीज दैट विल बी परफॉर्म्ड। किस तरह से टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, इट शोज हाउ द टेस्ट विल बी ऑर्गेनाइज, कैसे टेस्ट ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्लान करना है, किस एक्टिविटी को फॉलो करना है, उसके अंदर हमने आउटलाइन करनी है उन सारी की सारी नीड्स को, ठीक है, प्रॉपरली उसको एक पूरी की पूरी गाइडलाइन जो है हम उस प्लानिंग के अंदर डिस्कस करते हैं। द टेस्ट प्लान शुड बी इंस्पेक्टेड बाई मेम्बर्स ऑफ द इंजीनियरिंग टीम एंड सीनियर मैनेजर्स। तो ये दो लोग जो हैं मिल के क्या करते हैं, टेस्ट प्लान्स को वेरीफाई करते हैं। अब टेस्ट केसेस क्या हैं? टेस्ट केस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिफिक इंटीग्रेशन दैट अ टेस्टर्स विल हैव इन ऑर्डर टू टेस्ट अ सिंगल बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर। टेस्ट केसेस आर वेरी सिमिलर टू द यूज केसेस। अगर आपको यूज केसेस का आइडिया हो कि हमारे सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और उन कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन कैसे होनी है यूजर की, ठीक है, तो उसको हम यूज केस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह से आपके यूज केसेस बनाए जाते हैं, वैसे ही आपके टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपके सारे के सारे नैरेटिव्स या आपकी स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सॉफ्टवेयर, उसकी जो स्टोरी होती है उसको जो है राइटअप किया जाता है। अ टिपिकल टेस्ट केस इज लेड आउट इन अ टेबल एंड इंक्लूड अ यूनिक नेम एंड नंबर, ठीक है। हर टेस्ट केस को कोई ना कोई नेम दिया जाता है और कोई ना कोई नंबर दिया जाता है, और उसके अंदर उस रिक्वायरमेंट को डिस्कस किया जाता है और पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिस्कस की जाती है। उसके अंदर प्री कंडीशंस की बात की जाती है, किस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले क्या करना पड़ेगा, और इसी तरह प्री कंडीशन के साथ पोस्ट कंडीशन भी डिस्कस की जाती है कि इस एक्टिविटी के कम्प्लीट होने के बाद क्या आउटपुट आएगी या क्या नोटिफिकेशन आएगा या क्या कौन सी स्क्रीन आएगी। स्टेप्स आर डिस्क्राइब्ड द स्पेसिफिक स्टेप्स विच मेक अप द इंट्रैक्शन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसको उसको इस्तेमाल कौन करेगा एक्टर को, यानी कि उस एक्टिविटी को परफॉर्म कौन करेगा, यानी वो एक्टर कौन होगा। तो इन सारी की सारी चीज़ों को हम टेस्ट केस के अंदर डिस्कस करते हैं। टेस्ट केसेज मस्ट बी रिपीटेबल। गुड टेस्ट केसेज आर डेटा स्पेसिफिक एंड डिस्क्राइब ईच इंट्रैक्शन नेसेसरी टू रिपीट द टेस्ट एग्जैक्टली। टेस्ट एग्जीक्यूशन, जब आप टेस्ट केस बना लेते हैं तो फिर दूसरा काम जो होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है टेस्ट की एग्जीक्यूशन। द सॉफ्टवेयर टेस्टर बिगिन एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट प्लान आफ्टर द प्रोग्रामर्स डिलीवर द अल्फा बिल्ड आर अ बिल्ड दैट दे फील इज फीचर कंप्लीट, ठीक है, तब डिसाइड किया जाता है कि कब आपने उस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना। द अल्फा शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी। द प्रोग्रामर्स शुड फील दैट इट इज रियली रेडी फॉर रिलीज एंड सो गुड एज दे कैन गेट। जब आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो फुली प्रिपेयर है, तो अब इसको टेस्ट किया जा सकता है, इसमें से एरर्स को फाउंड किया जा सकता है, देन आप टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं। देर आर टिपिकली सेवरल आइट्रेशन ऑफ टेस्ट एग्जीक्यूशन। फर्स्ट आइट्रेशन क्या है जी? फोकस ऑन अ न्यू फंक्शनैलिटी दैट हैज बीन एडेड। जो नई चीज ऐड की गई है पहले तो उसको चेक करो, ठीक है। उसके बाद रिग्रेशन टेस्ट इज अ टेस्ट डिजाइन टू मेक श्योर
that a change to one area of the software has not caused any other part of the software. यानी जब आपने किसी एक जगह पे तब्दीली की है तो जरूरी नहीं कि वो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को ही हिला के रख दे, बल्कि वो कि उसकी आउटपुट जो है वो किसी स्पेसिफिक एरिया को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है? तो उसको आइडेंटिफाई करो। रिग्रेशन टेस्टिंग यूजुअली इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग ऑल टेस्ट केसेस व्हिच हैव प्रीवियसली बीन एग्जीक्यूटेड। दीज आर देयर आर टिपिकली एटलीस्ट टू रिग्रेशन टेस्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो हर एक एप्लीकेशन के दो जो है एटलीस्ट जो है वो आपको रिग्रेशन टेस्ट करने पड़ते हैं, एक वो जो पहले से बिल्ड किए होते हैं, एक वो जो उसके बाद नए कंपोनेंट उसके अंदर इंटीग्रेट किए जाते हैं, उन दोनों को। उसके बाद डिफेक्ट की ट्रैकिंग की जाती है, जो उसके अंदर आपको डिफेक्ट नजर आए हैं आपके सिस्टम के अंदर उनको ट्रैक किया जाता है, ठीक है, मॉनिटर किया जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो डिफेक्ट ना आ सके। इट रूट्स ईच डिफेक्ट बिटवीन टेस्टर डेवलपर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अदर्स फॉलोइंग द वर्कफ्लो डिजाइन टू इंश्योर दैट द डिफेक्ट इज वेरीफाइड एंड रिपेयर्ड, ठीक है, और उसको मेक श्योर किया जाता है, और ये सारे लोग मिल के उसको मेक श्योर करते हैं कि वो दोबारा वो एग्जिस्ट अभी भी कर रहा है डिफेक्ट, या कि हमने उसको दूर कर लिया है, ठीक है, तो उसको आप जो है वो ट्रैक करते हैं। स्मोक टेस्टिंग, स्मोक टेस्ट इज अ सबसेट ऑफ द टेस्ट केसेस दैट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओवरऑल टेस्ट प्लान, ठीक है। तो स्मोक टेस्ट को हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले, स्मोक टेस्ट को हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। तो टेस्ट ऑटोमेशन, टेस्ट ऑटोमेशन इज अ प्रैक्टिस इन विच टेस्टर्स एम्प्लॉय अ सॉफ्टवेयर टूल टू रिड्यूस और एलिमिनेट रिपीटेटिव टास्क। जो आप बार बार पहले से टास्क परफॉर्म कर चुके होते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए आप टेस्ट ऑटोमेशन करते हैं, यानी एक काम आपको एक ही दफा करना पड़े, अगर आप मैनुअली करते हैं तो आपको एक काम बार बार भी करना पड़ सकता है। तो टेस्टर्स आइदर राइट अप स्क्रिप्ट और यूज रिकॉर्ड एंड प्ले बैक टू कैप्चर यूजर। आप बहुत सारी अगर आप टेस्टिंग टूल्स को ओपन करके देखें ना, तो जब आप उसमें टेस्ट केस जो एक दफा स्क्रिप्ट आपने बनाया है तो वो आप रन करते हैं तो आपको उसकी एक लॉग फाइल भी बनती है, ठीक है, और वो टेस्ट केस एक से ज्यादा जगहों पर भी आपका काम आ जाता है। तो जो मैनुअल आपकी जो टेस्टिंग होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, जो आपकी ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है वो थोड़ी सी आसान होती है, तो ठीक है, थोड़ी सी क्या, बहुत ही आसान होती है, तो आपकी कॉस्ट भी सेव करती है और आपके टाइम को भी सेव करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, तो जो आपके जब आप किसी भी टेस्टिंग टूल को यूज कर रहे होते हैं तो टेस्टिंग करने के बाद जब आप टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जनरेट की जाती है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है, देखें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि आपके कौन कौन से चीज़ों को टेस्ट किया गया, कितनी दफ़ा किया गया और कब किया गया, उसमें से क्या डिफेक्ट निकले, और उन डिफेक्ट के पॉसिबल आपने जो सोल्यूशंस आपने जो है वो देने होते हैं, ठीक है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को ही आपका जो है मैनेजर या आपका जो है जो हायर अथॉरिटीज हैं आपकी जो टीम होती है आपकी, वो उस रिपोर्ट को जो है वो हाईलाइट करती है उनमें से उन इश्यूज को, ताकि उनको उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। अब बात करते हैं हम रिव्यूज की। व्हेन आर रिव्यूज नीडेड, रिव्यूज की जरूरत कब होती है। अ रिव्यू इज एन एनी एक्टिविटी इन विच अ वर्क प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिव्यूअर्स हु एग्जामिन इट एंड गिव फीडबैक। Reviewers are useful not only for finding and eliminating defects, but also for gaining consensus among the project team, securing approval from stakeholders, and aiding in professional development for team members. Reviews help teams fix defects soon after they are injected, making them cost less to fix than they would cost if they were found in rest. All work products in a software project should be either reviewed or tested. तो आपको जो है डिफरेंट जगहों पे रिव्यूज की जरूरत पड़ती है, जब आपने कोई डिफेक्ट फाइंड करना हो, जब आपने किसी एरर को फिक्स करना हो, जब आपने उसकी जो है स्टेक होल्डर से बात करनी हो, उसकी अप्रूवल लेनी हो, प्रोजेक्ट को सिक्योर करवाना हो, ठीक है, टेस्ट केस बनानी हो, टेस्ट प्लान बनाने हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन करनी हो, स्केजलिंग करनी हो, रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन आपने डिजाइन करनी हो, तो आपको तब तब आपको रिव्यूज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए हर स्टेज के एंड पे आपको एक रिव्यू डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है। टाइप्स ऑफ रिव्यू इंस्पेक्शंस, टाइप्स ऑफ रिव्यू में सबसे पहले इंस्पेक्शन है जी। इंस्पेक्शंस आर मॉडरेटेड मीटिंग्स इन विच रिव्यूअर्स लिस्ट ऑल इश्यूज एंड डिफेक्ट। जो लोग उस डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं उनको रिव्यूअर बोला जाता है, ठीक है, उन रिव्यू डॉक्यूमेंट्स को जो लोग रीड करते हैं उनको रिव्यूअर्स बोला जाता है। तो इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है कि वो रिव्यूअर जो है वो अपने अपने कमेंट्स देते हैं उनके बारे में, उन डॉक्यूमेंट्स में जो डिफेक्ट्स आए होते हैं, जो इश्यूज आए होते हैं उनके बारे में अपने अपने डॉक्यूमेंट जो है अपने अपने कमेंट्स देते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। द गोल ऑफ द इंस्पेक्शन इज टू रिपेयर
all of the defects so that everyone on the inspection team can approve the work product. तो वो सारे मिल के फिर decide करते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे defects हैं जिनको दूर करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, उनकी priorities भी वो sign कर सकते हैं. Running an inspection meeting, a work product is selected. सबसे पहले वो work product select किया जाता है, उसका document उठाया जाता है, एक team decide की जाती है, team decide करने के बाद meeting decide की जाती है, meeting के बाद जो उसको एक moderator जो handle कर रहा होता है, एक person, यानी उसका team का एक समझ लो head कह सकते हैं आप उसे. Each inspector prepare for the meeting by reading the work product and nothing each defect. ठीक है, तो उसके अंदर फिर वो डिस्कशन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, मॉडरेटर फिर कंपाइल करता है उनके सॉल्यूशंस को, और सॉल्यूशंस को कंपाइल करने के बाद वो फिर एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसके बारे में हमने क्या एक्शन परफॉर्म करना है. इंस्पेक्शन लॉग एग्जांपल जो है वो इस तरह की है कि आप उसके अंदर डॉक्यूमेंट इसकी हेडिंग देते हैं, डॉक्यूमेंट की वर्जन मेंशन करते हो, इश्यूज डिसाइड करते हो, रिव्यू की डेट लिखते हो, अटेंडीज कौन कौन लोगों ने उस मीटिंग को अटेंड किया, उसकी क्या डेजिग्नेशन थी, उनके क्या नाम थे, और उन्होंने डॉक्यूमेंट को रीड किया या नहीं किया, यस या नो, यस या नो, और उसने कितना टाइम स्पेंड किया उन्होंने, ठीक है. उसके बाद इश्यूज जो हाईलाइट किए उनका सीरियल नंबर और उनके जो सेक्शन पेजेस थे, यानी उस डॉक्यूमेंट के जो रिव्यू डॉक्यूमेंट था आपका, उसके कौन कौन से सेक्शन में, कौन कौन सी लाइन में क्या क्या इश्यूज हाईलाइट हुए, ठीक है, किस किस बंदे ने वो आइडेंटिफाई किया, ठीक है, उनके नाम मेंशन हो जाएंगे कि ये इसने आइडेंटिफाई किया, ये इसने, ये इसने, ये इसने, और फिर उस इशू की डिटेल आ जाती है. तो इस तरह से आपकी एक इंस्पेक्शन लॉग फाइल तैयार होती है, ठीक है. तो उस इंस्पेक्शन लॉग फाइल को सामने रखते हुए फिर इन इश्यूज को जो है वो फर्दर रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ठीक है जी. टाइप्स ऑफ रिव्यूज में आपके डेस्क चेक, डेस्क चेक इज एन सिंपल रिव्यू इन विच द ऑथर ऑफ अ वर्क प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट इट टू वन और मोर रिव्यूअर्स. एक ही एक फाइल ले ली जाती है, वो एक या दो या चार लोगों को तकसीम की जाती है कि आप लोग इसको पढ़ो, समझो, और इसको पढ़ने के बाद हमें बताओ कि हमारी टीम ने जो है नेक्स्ट क्या डिसीजन लेना है इसके बारे में, क्या डिफेक्ट जो है आपकी नज़र में इसके अंदर अभी भी पाए जा रहे हैं, ठीक है. तो अनलाइक एन इंस्पेक्शन, अ डेस्क चेक डज नॉट प्रोड्यूस राइटिंग लॉग. इसमें सिर्फ राइटिंग लॉग नहीं तैयार किया जाता, इसमें सिर्फ हर बंदे की इंडिविजुअल जो है वो उनके जो है कंसेंसस ले लिए जाते हैं कि वो उन्होंने क्या इसके बारे में उनके रिमार्क्स हैं, ठीक है. तीसरा जो तरीका है जी वो जब वॉक थ्रू का, पहला तरीका क्या बताया आपको इंस्पेक्शन का, दूसरा तरीका बताया डेस्क चेक का, तीसरा तरीका क्या बता रहा हूँ वॉक थ्रू का. तो वॉक थ्रू इज एन इनफॉर्मल वे, ठीक है, ये कोई फॉर्मल वे नहीं है, ये एक इनफॉर्मल वे है, कोई मीटिंग शीटिंग नहीं होती इसके अंदर. वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट इन अ मीटिंग, तो इसमें आप वॉक थ्रू करके जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके फिर मीटिंग के अंदर प्रेजेंट करते हैं. उसमें तो एक मीटिंग कंडक्ट करके सारे लोग एक वक्त में एक टाइम पे बैठ के डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे थे, इसमें हर बंदा अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट को टाइम देता है और फिर एक मीटिंग कंडक्ट करके उसके अंदर अपने रिव्यूज को जो है वो प्रेजेंट करते हैं. अनलाइक अदर काइंड्स ऑफ रिव्यूज द ऑथर रन द वॉक थ्रू कॉलिंग द मीटिंग इनवाइट द रिव्यूअर्स, ठीक है. उसके बाद वो क्या करता है वॉक थ्रू के अपना क्या कहते हैं वॉक थ्रू के अंदर क्या कहते हैं वॉक थ्रू आर यूज्ड व्हेन द ऑथर ऑफ अ वर्क प्रोडक्ट नीड्स टू टेक इनटू अकाउंट the perspective of someone who does not have the technical expertise to the review to the document, ठीक है. तो इसमें आपके जो है जितने भी technical persons होते हैं वो बैठ के उन अपने documents को study करते हैं और फिर एक meeting के अंदर अपने अपने consensus को जो है वो present करते हैं और issues को raise करते हैं. चौथा जो तरीका है वो है code review का. Code review is a special kind, तो इसको technical person ही कर सकता है, उसमें non-technical भी कर सकता था walk through, जबकि इसमें फुली टेक्निकल जिसको प्रोग्रामिंग से जिसकी के फुली जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है. तो उसको सैंपल ऑफ कोड प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें से वो अपने डिफेक्ट्स को फिक्स करता है, ठीक है. तो ये कोड को रीड किया जाता है इसके अंदर. उसके बाद बात करते हैं जी पेयर प्रोग्रामिंग. तो जो पांचवा जो तरीका है वो पेयर प्रोग्रामिंग का. पेयर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक इन विच टू प्रोग्रामर्स वर्क साइमल्टेनियसली एट अ सिंगल कंप्यूटर एंड कंटिन्यूसली रिव्यू ईच अदर्स वर्क, ठीक है. तो वो एक ही एप्लीकेशन को पढ़ के इस्तेमाल करके एक दूसरे के कामों में गलतियां निकालते हैं, ठीक है. तो एक ही वक्त में दोनों साइमल्टेनियसली जो है कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं एट सिंगल कंप्यूटर एंड कंटिन्यूसली रिव्यू ईच अदर्स वर्क, ठीक है. वो देख रहा है ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है. ऑल दो मैनी प्रोग्रामर्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू पेयर प्रोग्रामिंग एज ए पार्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इट इज अ प्रैक्टिस दैट कैन बी वैल्यूएबल इन एनी डेवलपमेंट एनवायरमेंट. तो ये काफी बेनिफिशियल होती है कि आपको रन टाइम पे ही एक बंदा समझ लो कि एक टेस्टर के तौर पे एक बंदा आपके साथ बैठा हुआ है और वो आपके काम को मॉनिटर कर रहा है,
ठीक है, तो थोड़ा सा कॉस्टली तो है, ठीक है, कि एक काम पे आपको दो दो लोग लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन इससे जो है आपकी जो क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर जो एरर आने के चांस भी कम होते हैं, और आपके जो डिफेक्ट्स बाद में निकलने हैं वो साथ साथ आप हैंडल करते जा रहे हैं। ठीक है जी, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं जी। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।